Hi friends, welcome to Gautam Beri's Fit at 40. First of all, a big heartfelt thanks to you all for tremendous response you gave it for my first video. Dosto, shukriya. See, what is my motive? My motive is to just motivate you people. Agar mere in videos ko dekhkar, aap mein se kuch do char log bhi motivate ho jate hain, my purpose is achieved. फिटनेस की कोई एज नहीं होती दोस्तों, फिटनेस हम किसी भी एज पे अटेन कर सकते हैं. अगर आप फिट हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हैं, याद रखिएगा, अगर आप फिट हैं तो आप स्ट्रेस फ्री हैं. आज की लाइफ में जितना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस से हम जीते हैं, अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं तो स्ट्रेस आपके आसपास भी नहीं आएगा. चलिए बात करते हैं, टू द पॉइंट आते हैं. मैं आज आप लोगों के लिए 5 सजेशंस या 5 टिप्स लेकर आया हूं कि हम अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं. सबसे पहली सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा भाई, कोशिश करिए कि आप मॉर्निंग में टाइम निकालें और मॉर्निंग में अपना वर्कआउट करें. चाहे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, चाहे आप मॉर्निंग में जिम जा रहे हैं, आप कोशिश करिए, ट्राई टू टेक आउट सम टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज मॉर्निंग वर्कआउट इज द बेस्ट वर्कआउट. आई विल टेल यू गाइस, ट्राई इट, बिकॉज मॉर्निंग में किया हुआ वर्कआउट सारा दिन आपको एनर्जाइज रखता है, आपको चुस्त रखता है. सेकेंड आपको मैं सजेशन ये देना चाहूंगा भाई, सुबह उठते ही अराउंड 5 से 6 ग्लासेस पानी के पीजिए. एक रात पहले अपने पास तांबे का जग रखें, चांदी के ग्लास रखें उसको साथ में, और तांबे के जग में पानी भर के रखें और नेक्स्ट डे उसी चांदी के ग्लास में पानी पीजिए. गाइज, जितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, योर प्रॉब्लम कैन बी इजिली रिजॉल्व विद दिस पर्टिकुलर टिप. थर्ड मैं आपको कहना चाहूंगा भाई, सुबह मॉर्निंग में आप कोशिश करें चाय जो चीनी वाली होती है उसको अवॉइड करिए. आप कोशिश करिए कि वहां पर जो हम चाय पी रहे हैं, आइदर इट शुड बी ग्रीन टी और इफ यू कैन गो फॉर ब्लैक कॉफी. आई अंडरस्टैंड गाइज, ब्लैक कॉफी इज नॉट लाइक बाय एवरीवन, बट ब्लैक कॉफी इज द बेस्ट सोर्स ऑफ बूस्टिंग योर एनर्जी. आप सुबह सुबह जो एक हमें गंदी आदत पड़ी होती है, हम बिस्किट डिप करके खाते हैं और हम 4-5 बिस्किट खा जाते हैं, अवॉइड करिए. इंस्टेड गो फॉर 1 बनाना अलॉन्ग विद ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी. आप करके देखिए, यू विल डेफिनेटली फाइंड गुड रिजल्ट्स. गाइज, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि भाई, अगर आप मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मेक योर ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हेल्दी. पंजाबी भाई और बहनों, भाई परौंठे अवॉइड करिए. जो परौंठों में हम मक्खन घी लगा लगा के खा रहे हैं उसको अवॉइड करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान करता है. मैं ये नहीं कह रहा कि घी नहीं खाना चाहिए, घी अप्रॉक्सीमेटली हम दिन का 1 चम्मच खा सकते हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट. अगर आप आधा चम्मच करें दैट इज ऑल्सो गुड, बट आप बिल्कुल घी बंद ना करें. घी आधे से 1 चम्मच आप खा सकते हैं, बट प्लीज दोस्तों, इंस्टेड आप जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मॉर्निंग में, आप प्लीज कोशिश करिए कि गो फॉर बॉइल्ड एग्स. अगर आप वेजिटेरियन हैं, गो फॉर एनी पनीर का नाश्ता. रॉ पनीर के सैंडविच आप खा सकते हैं, आप सैलड्स खा सकते हैं, आप ओट मील्स खा सकते हैं, यू लव लॉट ऑफ ऑप्शंस. इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू गो फॉर अ चिकन ब्रेकफास्ट, यू कैन गो फॉर अ एग का ब्रेकफास्ट, एनीथिंग लाइक दैट. दोस्तों, उसके बाद मैं आपको जो 5वीं टिप देना चाहूंगा भाई, कि अपने लंच के अंदर ब्राउन राइस जरूर इंक्लूड करें, बिकॉज अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, हमारी बॉडी को फाइबर कंटेंट की बहुत जरूरत है. अपने लंच में आप ब्राउन राइस इंक्लूड करें और कोशिश करें कि जो फ्रूट्स हैं वो हम शाम के वक्त एज अ स्नैक्स खा रहे हैं. सी, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि फ्रूट शुड बी ईटन इन द मॉर्निंग, दैट इज योर चॉइस, बट दिस इज माय सजेशन दैट फाइबर शुड बी टेकन इन द इवनिंग आफ्टर द लंच. इट मेक्स यू फील फुल फॉर द एंटायर डे और उसके बाद आपको जल्दी से भूख नहीं लगती. गाइस, कोशिश करिए, मैं आपको एक बार फिर सजेस्ट करूंगा, कोशिश करिए अपने वर्कआउट को मॉर्निंग में करने का. अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर लेते हैं, यू विल बी एनर्जाइज फॉर द एंटायर डे. दोस्तों, इन सब बातों को अगर आप फॉलो करना चाहें तो प्लीज फॉलो करें. एंड प्लीज, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड भाई, कि अगर आप मुझे अपने वीडियोस देखने के बाद कमेंट देना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन अ पर्टिकुलर वीडियो. एंड आई विल प्रॉमिस यू भाई, कि आई बी पोस्टिंग यू लॉट ऑफ न्यू सजेशंस एंड न्यू वीडियोस ऑन दिस, विच विल हेल्प यू आउट एंड विच विल डेफिनेटली रिवील वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर यू पीपल. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.